केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को ये चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में दिल्ली में संवैधानिक संकट का हवाला दिया गया है। तो बर्खास्त करने की मांग की जा रही है केजरीवाल सरकार को, और ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल सरकार को बर्खास्त की जाए। इस बाबत एक चिट्ठी लिखी गई है, राष्ट्रपति को एक चिट्ठी, एक खत लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में संवैधानिक संकट है। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भी ये चिट्ठी भेज दी है। चिट्ठी में दिल्ली में बहुत बड़े संकट के बारे में कहा जा रहा है। और आइए आपको बताते हैं कि चिट्ठी की डिटेल्स क्या है जो बीजेपी विधायकों ने चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को। मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार को बर्खास्त करने का आग्रह किया गया है इस चिट्ठी में। ये पहला बड़ा पॉइंट है जो कि चिट्ठी में लिखा गया है। दिल्ली में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, ये भी कहा गया बीजेपी विधायकों की ओर से। छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से संकट है। वित्त आयोग का गठन न करना दिल्ली सरकार की नाकामी है। ये वो चिट्ठी, वो खत हम आपको दिखा रहे हैं जो राष्ट्रपति को भेजा गया है। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भेज दिया है। सीएजी की 11 रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की गई दिल्ली सरकार की ओर से, ये भी इसमें कहा गया। सरकार के खर्चे की उचित जांच नहीं हो पा रही है। जो सरकार, दिल्ली सरकार खर्चे कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, उसकी जांच नहीं हो पा रही है। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये भी इस चिट्ठी में मेंशन किया गया है। जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये चिट्ठी क्या गृह मंत्रालय जा चुकी है, अब आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या क्या कुछ चिट्ठी में और मौजूद है? बिल्कुल, देखिए 30 अगस्त की बात है जब जो विजेंद्र गुप्ता हैं, जो कि अब नेता प्रतिपक्ष हैं बीजेपी की ओर से, और अन्य विधायक जो हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया था राष्ट्रपति को और कहा है कि दिल्ली के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक संकट है, उसके पीछे तर्क ये दिया है कि छठा जो इतना आयोग उसकी बात की गई। साथ में कहा कि दिल्ली सरकार के जो खर्चे हैं उसको लेकर के जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका हवाला दिया और कहा है कि दिल्ली में संवैधानिक संकट है, जिसकी वजह से अब दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो शिकायत दी गई। शिकायत पर 9 सितंबर को जो राष्ट्रपति भवन का सचिवालय है, उनके जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने अब गृह सचिव, जो मंत्रालय है उसके सचिव को वो चिट्ठी लिखी और कहा है कि शिकायत को आगे बढ़ाया, कहा है कि इसमें आप देखिए कि आखिर है क्या, जो आरोप लगाए गए हैं क्या उनमें कोई सत्यता है, उसकी जांच हो और जांच होने के बाद में रिपोर्ट दी जाए, ताकि आगे जाके राष्ट्रपति इस पर कोई फैसला ले पाए। लेकिन जो मांग है ये बीजेपी विधायकों की तरफ से की गई और ये विधायकों की तरफ से अब से नहीं की जा रही, जबकि आबकारी मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तार हुए उसके बाद से लगातार भाजपा इस बात को लेकर कहती रही है कि दिल्ली के अंदर सरकार ठीक से चल नहीं पा रही है, चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, तो सरकार के रहने का कोई मतलब नहीं है। और अब देखिए उन्होंने वित्तीय अनियमितता की बातें उठाई हैं कि इस तरीके से संवैधानिक संकट, क्योंकि दिल्ली में उनकी तरफ से कहा गया, आरोप लग रहे हैं इस तरीके के, बन चुके हैं, तो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये मांग बीजेपी के विधायकों ने की थी, जिस पर अब राष्ट्रपति का जो सचिवालय है, उनके निदेशक है, उन्होंने गृह सचिव को पत्र लिखकर इसमें जाँच करने की बात की है कि इस मामले की देखें कि इसमें आखिर है क्या। तो देखिए, जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी, इस वक्त की बड़ी खबर से हमें करा रहे हैं वाकिफ। दिल्ली की सियासत से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है, और ये लेटर इस वक्त हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग इस चिट्ठी में बीजेपी के विधायकों की तरफ से की गई है, और बीजेपी विधायकों ने संवैधानिक संकट का हवाला दिया है। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय के पास ये चिट्ठी भेजी है। देखिए, विजेंद्र गुप्ता जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनकी तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। सब्जेक्ट: अर्जेंट अपील फॉर प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन टू एड्रेस ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, इस बात का जिक्र किया गया है। एंड डिसमिसल ऑफ द आप गवर्नमेंट इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी बर्खास्त किया जाना चाहिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को, क्योंकि संवैधानिक संकट इस वक्त दिल्ली पर आन खड़ा हुआ है। ये सीधे तौर पर बहुत गंभीर बातों का जिक्र करते हुए इस चिट्ठी को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। ये देखिए, लिखा गया है कि वी द मेंबर्स ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रोच योर एक्सीलेंसी विद प्रोफाउंड कंसर्न एंड अटमोस्ट अर्जेंसी रिगार्डिंग द ऑनगोइंग
कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, संवैधानिक संकट का जिक्र है इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज रिपीटेडली एंड एग्रीगेसली वायलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स। तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना की गई है, सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, इस बात का जिक्र, इसकी डिमांड की गई है बीजेपी नेता की तरफ से। और इसमें कहा गया है कि योर इमीडिएट इंटरवेंशन टू सेफगार्ड द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ आवर नेशंस कैपिटल, इस बात का जिक्र किया गया है कि आप का तुरंत इंटरवेंशन जो है वो जरूरी हो गया है क्योंकि दिल्ली में संवैधानिक संकट की स्थिति आन खड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें और जो अहम बातें की गई हैं वो यहां पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार को बर्खास्त करने का आग्रह किया गया है विजेंद्र गुप्ता की तरफ से, जो लेटर राष्ट्रपति के पास भेजा गया है उसे, और नेता प्रतिपक्ष हैं दिल्ली विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता, उनकी तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है और स्थिति इतनी गंभीर है कि तुरंत राष्ट्रपति को इंटरवेंशन करना चाहिए इस पूरे मामले में। छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया, इस बात का भी जिक्र विजेंद्र गुप्ता की इस चिट्ठी में है। तो ये दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है।